तो नमस्कार, आज हम फिर से एक नई इनोवा हाई क्रॉस मॉडिफिकेशन करेंगे और इसमें हम बताएंगे इसमें अभी हम क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या करेंगे। तो इसमें मान के चलिए तो पूरा काम है, मतलब जो बेसिक जो नीड है, जो जरूरत की चीजें हैं, वो सारा काम हम इसमें अभी करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे ये फ्रंट ग्रिल क्रोम जो है ये लुक को काफी इनहेंस कर देता है, इस क्रोम को कनेक्टिंग कर देता है आपस में, जिससे कि लुक ना बहुत इनहेंस हो जाती है, एक निकल के आती है लुक। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये फॉग लाइट है, इसको भी हम अपडेट करने वाले हैं, एलईडी में ओरिजिनल वाला फॉग लाइट डालने वाले हैं। बात करूं ये डीआरएल का, तो ये डीआरएल जो है ना ये ऐसी निकल जाएगा और ये सेंसर रहेगा एज इट इज, सेम डीआरएल हम अभी इसमें डालने वाले हैं, वो भी इंस्टॉल होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए साइड प्रोफाइल से मैं बात करूं तो यहाँ पे अभी देखेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल व्हाइट है और इसमें हम अभी ब्लैक वाला व्हील आर्च लगाने वाले हैं, व्हील आर्च भी लगाएंगे। ये हैंडल क्रोम इंस्टॉल कर दिया हमने, आइए मैं एक बार अंदर से दिखाऊं आपको। ये देखेंगे तो ये पूरा डैशबोर्ड, ये दरवाजा वगैरह खुला हुआ है क्योंकि इसमें हम अभी करने वाले हैं डैम्पिंग, वो भी डबल लेयर में। तो अभी डैम्पिंग होगा इसमें, यहाँ पे वेलकम लाइट लगेगा और ये सीट देखेंगे पूरा निकल के बाहर आया हुआ है क्योंकि इसमें अभी पूरा काम होना है, जैसे कि सीट कवर का काम होना है, फ्लोर लैमिनेशन होना है, शेडो लाइट लगना है, वेलकम लाइट लगना है। बैक साइड से मैं दिखाऊंगा आपको तो यहाँ पे अभी ये डैम्पिंग हो रहा है, भाई मेरा डैम्पिंग कर रहा है और ये देखेंगे ये वाला डैम्पिंग इसमें हो रहा है और ये रोलर से इसको अच्छे से फिटिंग करेंगे, अच्छे से इसको हम चिपकाने वाले हैं। आप अभी क्या कर रहे हो इसमें रिफ्लेक्टर? भाई अभी मेरा इसमें रिफ्लेक्टर लाइट लगा रहा है, देखेंगे तो ये आपको डम्मी मिलता है ये, जो कि कोई लाइट वाइट नहीं है, ये बिल्कुल प्लेन है। तो अभी हम इसमें लाइट वाला रिफ्लेक्टर फिटिंग किए हैं, तो देखेंगे यहाँ पे लाइट वाला रिफ्लेक्टर फिटिंग हो गया है। और भी जैसे कि कनेक्शन जो है ना, यहाँ से क्या करते हैं, ये कपलर जो है ना इसमें ऐसे लगा के और आपस में इस लाइट का इस कपलर को कनेक्ट कर देते हैं, जैसे इस कपलर को इस लाइट के थ्रू ही इसमें कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ से इसको करंट मिल जाता है, कोई वायरिंग कटिंग नहीं होती, जिससे कि वारंटी आपका वाइड हो। कोई भी काम होता है जैसे आपका शेडो लाइट हो गया, फॉग लाइट हो गया, मिड लाइट हो गया, सारा काम जो होता है ना फिटिंग कपलर टू कपलर होता है, कैसे होता है वो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको रिफ्लेक्टर लाइट का कनेक्शन के बारे में आपको बता दिया है, अभी इसमें बैक रन, फ्रंट रन, बहुत सारी चीजें होने वाली है, तो आप वीडियो में बने रहिए। आइए मैं एक बार सीट कवर जो फिटिंग हो रहा है वो प्रोसेस दिखाएं आपको। तो ये देखेंगे फुल इंटीरियर में सीट कवर का काम जो है, सीट कवर बकेट फिटिंग में इसको फिटिंग किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा लेदर है ये, मतलब आर्टिफिशियल रेक्जिन ही है ये, पर इसका फिटमेंट देखेंगे काफी एक नंबर निकल के आया है। आपको कंपनी से ये बिल्कुल कपड़ा देती है और यहाँ देखेंगे ये सीट खोल के ये जो रड जाती है इसमें क्लिप लगाया जाता है, जिससे कि फिटिंग अच्छे से हो सके। तो अभी देख रहे हैं फिटिंग होने में अभी टाइम लगेगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, फिटिंग होने के बाद हम आपको सारी चीजें दिखाते हैं, तब तक आप बने रहिए वीडियो में, जैसे गाड़ी रेडी होता है आपको हम फाइनल वीडियो आप तक पहुँचाते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे यहाँ पे ये फ्लोरिंग मैट का काम हो रहा है, पूरा डाई वाला क्रोकोडाइल वाला है, जो कि देखेंगे पूरा बैटरी को हैच टू हैच बैठा हुआ है, देख सकते हैं पूरा 50 गज का। अभी देखेंगे तो ये व्हील आर्च का फिटिंग होगा, ये देखेंगे यहाँ पे फिटिंग कर दिया गया है, ये इनका गन है, इससे इसमें ग्लो डाल के फिर इसको फिटिंग करते हैं यहाँ पे, ये देखेंगे। तो अभी ग्लो डालने वाला है भाई मेरा, ये देखिए ये ब्लैक कलर का ग्लो है, जिससे कि इसकी पकड़ काफी अच्छे से हो जाती है, गाड़ी पक्की तो खर्च तो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसमें यहाँ पे ये डीआरएल जो है, डीआरएल बिल्कुल टॉप मॉडल, हेडलाइट और ये फॉग लाइट और ये बीच आपका डीआरएल देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका फ्रंट रन जो है ये लगाया गया है। और साइड प्रोफाइल से बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये लगाया गया है, इसको हम बोलते हैं व्हील आर्च। साइड में यहाँ पे आपका हाई क्रॉस फुटरेस्ट लगा है, और बात करूँ यहाँ पे तो ये देखेंगे हाई क्रॉस का आपका शेडो लाइट मिल जाता है, एम्बिएंट लाइट प्रॉपर मिल जाएगा, वेलकम लाइट जो है वेलकम लाइट मिल जाएगा, शीट कवर प्रॉपर मिल जाएगा आपका। और बात करूँ मैं, ये देखिए शीट कवर जो है बहुत प्रीमियम बकेट फिटिंग में इसको बनाया गया है, मैट जो है, और इसे पहले यहाँ पे ये डाई वाला मैटिंग किया गया है। और यहाँ पे कंसोल का फिटिंग देखेंगे, और ये सीट कवर का स्टीयरिंग रैप देखिए प्रॉपर फिटिंग किया गया है, मैं एक बार सेकेंड रो भी चेक करा दूँ आपको।
और इसमें ये हैंडल क्रोम डैम्पिंग, और इसमें स्पीकर जो है, स्पीकर वगैरह भी इसमें पूरा चेंज किया गया है। आगे JBL का है और पीछे भी JBL का कंपोनेंट है। सेकेंड रो में भी आपको प्रॉपर फिटमेंट कुछ ऐसा मिल जाता है, ये देखेंगे एम्बिएंट लाइट का। तो ये बीच का सीट कवर का फिटमेंट जो है कुछ ऐसा आपको प्रॉपर मिल जाता है। और थर्ड रो की बात करूँ तो थर्ड रो में भी कुछ ऐसा आपको प्रॉपर मिल जाता है। बात करूँ तो पीछे से यहाँ पे आपका रिफ्लेक्टर लाइट जो है ये भी लगाया गया है, बैक रन भी लगाया गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें फिटिंग किया गया। आप भी किसी इनोवा हाईक्रॉस या फिर इनविक्टो मॉडिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो शॉनमोन कार एसेसरीज पे है, और डिस्प्ले पे जो नंबर दिखाई दे रहा है वहाँ पे आप संपर्क करो।